आरजे कंपोटेम टेक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविंद्र यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरजे कंपोटेम टेक। तो दोस्तों, आज के वीडियो में एक अनबॉक्सिंग पर लेकर आए हैं जो कि बाइक की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की फ्रेम के बारे में है। तो देखिए, ये फ्रेम है मैंने जो अमेजोन से ऑनलाइन मंगाया है और इस पर देख सकते हैं हमारा इस पर यहाँ पर दिखाया नाम रविंद्र यादव और देखिए ये यहाँ पे प्राइस लिखा है 99 रुपये का। ये हमको पड़ा है जो कि एमेंस ने परचेस किया है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग मैं आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ कि जो नंबर प्लेट का फ्रेम है वो कैसा है। तो चलिए इस पैकेट को हम फाड़ लेते हैं, यहाँ से खोल लेते हैं इस पैकेट को और दिखाते हैं नंबर प्लेट हम लोग को कैसा है। तो देखिए दोस्तों, ये अमेजन का पैकेट है और इसके अंदर सिर्फ सिंपल ही हमको ये दो नंबर प्लेट का फ्रेम मिला है। ये फ्रंट साइज का है और ये बैक साइड का है। तो इस नंबर प्लेट को हम अपने बाइक में इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया आप लोग को दिखा रहे हैं कि कैसे इसको अपने बाइक के नंबर प्लेट में इंस्टॉल किया जाता है। चलिए चलते अपने बाइक की तरफ और अपने नंबर प्लेट को खोल लेते हैं। ये हमारा फ्रंट का नंबर प्लेट है, इसको हम प्लास के माध्यम से इसको खोल लेते हैं। चलिए इसको हम यहाँ से खोल ले रहे हैं। तो दोस्तों, फिर हम बाइक का फ्रंट का नंबर प्लेट का जो है उसको हम खोल लिए हैं और इसमें जो फ्रंट का नंबर प्लेट का फ्रेम है उसको हम इसमें बैठाएंगे। तो देखिए, इसमें जो ये पतला वाला लाइन है फ्रेम में, ये हमारा ऊपर रहेगा और जो मोटी वाली पट्टी है ये हमारे नंबर प्लेट के नीचे रहेगी। तो चलिए अपने नंबर प्लेट को हम इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए इसमें दिया है, सिंपली ऐसे इसको हम इंस्टॉल करेंगे। देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे यहाँ पे लगा देंगे और इधर इस तरह से प्रेस करेंगे, ये हमारा इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। ये हमारा देखिए इसमें इंस्टॉल हो गया है और वापस से हम इसमें अपना जो स्क्रू है देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रेम के अंदर ये इंस्टॉल हो चुका है नंबर प्लेट और इसकी स्क्रू को हम यहाँ पे यहाँ लगा देते हैं, लगा के इसको फिर वापस हम बाइक में कर देते हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ से इसको ऐसे और इसको ऐसे लगा कर इसको हम वापस कर देते हैं टपट। देखिए दोस्तों, ये हमारा नंबर प्लेट फ्रेम के अंदर लग गया है और देखिए पहले की अपेक्षा कितना बेहतरीन लग रहा है। और बचा है हमारा बैक साइड का नंबर प्लेट का फ्रेम, तो इसको भी हम लगाने के लिए और अपने बैक साइड के नंबर प्लेट को खोल लेते हैं जो कि हमारा ये रहा है। इसको भी हम प्लास के माध्यम से ओपन कर लेते हैं। तो चलिए इसको फटाफट ओपन कर लेते हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों, ये नंबर प्लेट हम यहाँ से अपना अनिल पूरा खोल लिए हैं और इसको अपने हम फ्रेम के अंदर लगाएंगे। तो इसमें भी दोस्तों देखिए सेम है, ये हमारा जो पतला वाला जो पट्टी है ये हमारा ऊपर रहेगा नंबर प्लेट के और ये जो मोटी वाली पट्टी है ये हमारा नीचे साइड रहेगा। तो ये हमारा ऐसे लगेगा। तो चलिए हम इसको भी इसमें फिट कर लेते हैं। इसको यहाँ से लगा कर ऐसे थोड़ा सा यहाँ से प्रेस करेंगे यहाँ से ऐसे, तो हमारा देखिए यहाँ पे नंबर प्लेट यहाँ पे एकदम बिल्कुल फिट हो जाएगा
यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा बैठ गया है, और देखिए फ्रेम लगने के बाद इसका लुक चेंज हो गया है, अब बिना फ्रेम का अधूरा अधूरा सा लग रहा था। तो देखिए हमारा यहाँ पे लग गया है, और जो इसके स्क्रू हैं स्क्रू को हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारा नंबर प्लेट फ्रेम के अंदर एडजस्ट हो गया है, और इसको हम वापस से इसमें टाइट करने जा रहे हैं अपने बाइक में। तो देखिए स्क्रू को हम यहाँ पे लगा लिए हैं, और इसको ऐसे यहाँ पे लगाएंगे, और जो इसका पीछे का स्क्रू है इसको यहाँ पे लगा के हम इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे। देखिए जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं, हमारा टाइट हो गया है, और वैसे ही दूसरा स्क्रू लेकर हम यहाँ पे पीछे इसके ऐसे लगाते हैं। चलिए इसको लगा लेते हैं। इसको देखिए हम अटका लिए हैं, और इसको हम वापस से फिर अच्छे तरह से प्लास के माध्यम से इसको टाइट कर देते हैं। यहाँ से इसको हम फटाफट फुल्ली टाइट कर देते हैं, और ये हमारा नंबर प्लेट लग के कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये हमारा नंबर प्लेट फुल्ली फ्रेम के अंदर इंस्टॉल होके इसमें लग गया है, और पहले की अपेक्षा आप लोग लुक देख सकते हैं कितना अच्छा लुक दे रहा है नंबर प्लेट के साथ फ्रेम के साथ, तो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। और ये हमारे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ ये हमारा फ्रेम लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी सेफ्टी के कारण ये सेफ्टी के लिए रहता है ये नंबर प्लेट। और देखिए लुक आप लोग देख सकते हैं इतना अच्छा लुक दे रहा है नंबर प्लेट के साथ है हमारा फ्रेम। इस फ्रेम के लगाने की आवश्यकता है दोस्तों हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि जो हमारा नंबर प्लेट है काफ़ी पतला और हल्का रहता है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, तो ये फ्रेम लगाने के बाद इसकी मजबूत थोड़ी बढ़ जाती है, और इसका लुक भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आप लोग को हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा दोस्तों, अगर आप लोग हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और रोजाना ऐसे ही नई नई टेक्निकल टिप्स की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।